एक्सक्यूज मी सर जी यस yes. सर जी डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट हाँ हाँ नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं doesn't. Will not को शॉर्ट में, अच्छा, में बोलते हैं क्या को को बोलते बोलते हैं हैं अच्छा और शेल नॉट को शेल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं शांत या शेंट अच्छा शेंट बोलते हैं और सर जी मस्ट नॉट को क्या बोलते हैं मसंट मसंट सर जी एक सवाल और था हाँ हाँ पूछो सर जी एंट किस को बोलते हैं एंट एंट दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इज नॉट को भी एंट बोलते हैं आर नॉट को भी एंट बोलते हैं एम नॉट को भी एंट बोलते हैं हैव नॉट को भी और हैज नॉट को भी इन सब की शॉर्ट फॉर्म एंट होती है क्या एम नॉट इज नॉट आर नॉट हैज नॉट हैव नॉट सबको एंट बोलते हैं ये अंग्रेज पागल है क्या लेकिन सर जी हैव नॉट को तो हैवंट बोलते हैं हैज नॉट को हैजंट बोलते हैं इज नॉट को इजंट बोलते हैं आर नॉट को आरंट बोलते हैं हाँ हाँ सारी बातें तुम्हारी सही हैं इसलिए मैंने पहले ही बोला इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको एंट यूज़ करना ही है तो उसको एम नोट के लिए ही यूज़ करें हाँ सर जी मैंने भी देखा एम नोट की शॉर्ट फॉर्म एंट होती है